सो भाई पोर्चुगल ने कर लिया क्वालिफाई फॉर राउंड ऑफ 16, क्वालिफाई कर लिया विद दिस विन। बट जो मेन क्वेश्चन है, क्या ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? क्या रोनाल्डो की टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? क्या सेंटोस की टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है भाई? क्योंकि आई डोंट थिंक सो भाई। जो मैंने लेवल का फुटबॉल देखा है अगेन बिफोर दिस वर्ल्ड कप, मैंने बहुत पहले बोल दिया था क्या भाई कि भाई इनके पास वो लेवल है, क्वालिटी है, प्लेयर्स है, डेप्थ है, स्ट्रेंथ है, हर चीज है। ऑन पेपर ये बहुत अलग लेवल की टीम है, बट भाई ऑन पिच ये एवरेज है। टीम एवरेज नहीं है भाई, कोच एवरेज है। बिलीव मी, कोच बहुत एवरेज है भाई। कोच की मेंटालिटी ना अपनी टीम पर दिखती है। आप देखने पेप की मेंटालिटी कैसे दिखती है उसकी सिटी पर, एंसेलोटी की मेंटालिटी आपको रियल मैड्रिड में दिखेगी, जिदान की मेंटालिटी आपको दिखेगी, जावी की मेंटालिटी बार्सा पे दिखेगी, और सेंटोस कुछ ऐसे भी कोचेस होते हैं इतनी शानदार टीम को भाई, जो इतनी एवरेज टीम है, इतनी फार टीम है, इतना टैलेंटेड टीम है, क्वालिटी है, डेप्थ है, वन ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ये अपनी पोर्चुगल की, इतनी फार टीम इनके पास कभी नहीं होगी। बट स्टिल भाई परफॉर्मेंस वही जो मैंने 2016 में यूरोज में देखा था, वही सेम चीज दिखती है मेरे को। कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखता, बट क्वेश्चन इज क्या ये टीम जीत सकती है वर्ल्ड कप? क्या टीम का वो लेवल है? क्या टीम है? लेवल है, बट भाई यही टीम आप पेप को दे दो, यही टीम आप क्लॉप को दे दो, यही क्लॉप की मेंटेलिटी दिखती है लिवरपूल में। आप ये टीम इनको दे दो, आप ये टीम एंचलॉटी को दे दो, आप ये टीम किसी को भी दो यार, जो बढ़िया कोचेज है, जो अभी बढ़िया कर रहे हैं फुटबॉल में, और फिर देखो यही एवरेज टीम को देखो कैसे खोलती है, क्या खेलती है ये। सो भाई अब सुनो दो सबसे बड़े मेन रीजन क्यों ये साइड वैसे एवरेज है और एवरेज क्यों दिख रही है मेरे को। बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्ल्ड कप मैंने एक लाइन बोली थी भाई, इनके पास वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक पेयरिंग है, दी बेस्ट फुल बैक पेयरिंग। एक तरफ कैंसिलो खड़ा है, एक तरफ नूनो मेंडेस खड़ा है, आग लगा देंगे, खोल देंगे। और आज का मैच इन दोनों के लिए था, इन दोनों के लिए ही मैच था भाई, क्योंकि उरुग्वे के पास क्या है, उरुग्वे का गेम प्लान क्या है, उरुग्वे पोजीशन नहीं रखती, यूरोप में पोजीशन नहीं रखती, उनका गेम प्लान है मिड कॉम्पैक्ट, डिफेंस कॉम्पैक्ट, सब कॉम्पैक्ट। मिड में जब आपके पास वाल्वर्डे, बेंटक और वसीनो जैसे प्लेयर्स हो, आप मिड में नहीं कर सकते भाई, इनके आगे भैंस ही नहीं कर सकते। यहाँ आपके पास वर्क रेट है, घोड़े हैं, भागने वाले हैं, डायरेक्ट रनर्स हैं। डार्विन नूनेस भागता है, कवानी भागता है, सारे भागने वाल्वर्डे भागने वाले, बेंटक को तो खोल दिया था भाई बीच से, क्या ही हरकत की थी उस बंदे ने, रोनाल्डो फैन फट गई थी भाई। बट उन्होंने क्या ऑफर करा था, वाइट में खेलो, आप वाइट में आपको धक्का देते हैं, वाइट स्पेस में ऑपरेट करो भाई, हम बीच से नहीं करने दे रहे आपको। और कैंसिलो वाइट स्पेस, कैंसिलो एज योर अटैकिंग फुल बैक भाई, ये बंदा खोल देता है। कैंसिलो इतना एवरेज दिख रहा है, मैं प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं फर्नांडो सैंटोस को भाई, 2016 वाली गेम इतना एवरेज बंदा कर दिया ना इसने कैंसिलो भाई, ये कैंसिलो आग लगा रहा था पेप के अंदर, वो सिटी वाला कैंसिलो और ये जो पोर्चुगल वाला कैंसिल हुआ भाई, ये दो अलग अलग बंदे हैं, बहुत अलग अलग बंदे दिख रहे हैं भाई। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, किससे हुआ, मेरे ख्याल से कोच से हुआ, क्या इसको इंस्ट्रक्शन दिए, क्योंकि कैंसिलो पीछे रुकने वाला बंदा नहीं है इतना पीछे। अब मुझे बताओ कितने आपको क्रॉसेस याद आ रहे हैं उसके, कितने आपको ओवरलैपिंग रन याद आ रहे हैं, क्या याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा सर। क्या उखाड़ा उसने इस मैच में, कुछ नहीं उखाड़ा भाई, सिर्फ इतना मुझे पता है एक इंस्ट्रक्शन दी गई होगी डेफिनेटली, 39 ईयर्स ओल्ड का भाई पेपे है, तो इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि भाई उसका पेस नहीं है उतनी फुटबॉल में, एज अ रनर उसका पेस नहीं है, तो आप थोड़ा पीछे ही रहो, थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि उरुग्वे है, भागने वाले बंदे हैं भाई, टाइम दोगे, स्पेस दोगे, भाग देंगे सारे रनर हैं, ठीक है, पेस अप पे अच्छी खासी। तो भाई ये अगर हरकत करनी है तो डेलॉट को उतारो ना, डेलॉट को उतारो पेपे के साथ, डेलॉट और पेपे आप घुसने देंगे, डिफेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, 380 बैक डेलॉट पेपे और आपका क्या नाम है डियास, क्या चाहिए और, और आपने फ्रीडम दे दो, फ्रीडम दे दो, फ्रीडम दे दो भाई कैंसिलो को, लेफ्ट बैक उतारो भाई, वो कैंसिलो, कैंसिलो से फटती है सामने वाली टीम की फटती है, कैंसिलो एक ऐसा फुल बैक है, ट्रेंट की कुछ ऐसे बंदे हैं, ऐसे फुल बैक हैं हकीमी कि भाई ये फाड़ देंगे, ये आपको ये गोल्स भी निकालते हैं, गोल भी मारते हैं, असिस्ट भी डालते हैं, ये लॉन्ग बॉल्स भी डालते हैं, ये आउटसाइड ऑफ हिज फुट भाई हालैंड को क्या क्या ये बंदा डाल के आ रहा है अपने सीजन में, क्या क्या नहीं कर रहा बंदे, ऐसे इन्वर्टेड फुल बैक भाई, वो टेक्निकल बातें हुई, वो पेप करवा सकता है भाई, वो पेप करवा सकता है, मैं बोला स्टार्टिंग, वो कोच की मेंटेलिटी दिखती है गेम में, क्या मेंटेलिटी, एवरेज राइट बैक बना के रख दिया भाई, फ्रीडम दे दो एक बार कैंसिलो को, लेफ्ट बैक पे उतारो, राइट बैक पे डायरेक्ट उतारो, बेस्ट पेयरिंग है आपकी भाई, डिफेंसिव इश्यूज भी सही हो जाएंगे, बैकलाइन भी स्ट्रांग होगी, और आप उसको फ्रीडम दे दो, कैंसिलो को फ्रीडम दे दो, सामने वाली की फ्रीडम छिन जाएगी भाई, इस लेवल का वो प्लेयर है, और आज के गेम में चाहिए था, आज के बहुत लकी है, बहुत लकी है भाई। ब्रूनो ने स्टेप अप किया, ब्रूनो ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दे दी भाई, इतनी फाड़ परफॉर्मेंस ब्रूनो की भाई, दो दो गोल्स,
इस वर्ल्ड कप में अभी तक दो मैच हुए, पोर्चुगल के दोनों मैच में अगर मैं कंसीडर करूं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इनका, वन ऑफ द बेस्ट नहीं दी बेस्ट प्लेयर इनका ब्रूनो है भाई। ब्रूनो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के लिए इस समय एट द मोमेंट एट दिस टाइम। आई एम नॉट सेटिस्फाइड भाई, एज अ रोनाल्डो फैन आई एम नॉट सेटिस्फाइड भाई। वर्ल्ड कप जीतना, वर्ल्ड कप तो भाई वर्ल्ड कप वाली मेंटेलिटी लाओ, वर्ल्ड कप विनिंग वाली मेंटेलिटी लाओ, विन विन जीतना है मेरे भाई, आई एम नॉट हैप्पी भाई। और दूसरा जो इशू है जो फेलिक्स या फिर राफेल लियाओ, काफी फैंस यहाँ भी डिवाइडेड है, फेलिक्स को स्टार्ट कराए राफेल लियाओ अगर भाई, मुझे नहीं पता किसको कराए, मुझे पता है मैं एक पॉइंट रखने वाला हूँ भाई। फेलिक्स ने एटलेटिको मेडिटली को स्टार्ट नहीं किया, गेम टाइम नहीं मिला, बेंच पे था, कॉन्फिडेंस लो था। दूसरी तरफ अब आप कोच की मेंटेलिटी देखो, मुझे नहीं पता कैसे इसने डिसीजन लेते हैं ये फर्नांडो सैंटोस। राफेल लियाओ आ गया आ रहा है एसी मिलान के लिए, सारे मैच डिसाइड कर रहा है, डिसाइड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई, इन एंड आउट डे, इन एंड आउट वीक, इन वीक एंड आउट हर मैच स्टार्ट कर रहा है वो। और बंदा जब भी पोर्चुगल के लिए ऐसा सब उतरा है ना, वो पॉजिटिविटी दिखती है, वो एक शार्पनेस दिखती है, वो एक हाइट लेके आता है बॉक्स के अंदर, आपको वो एक थ्रेट बन सकता है सामने वाली टीम के लिए, वो एक पेस लेके आता है, वो फिनिशिंग है, सब कुछ है, गाना के साथ फिनिशिंग देखी होगी आपने यार। तो मेरे ख्याल से सारे ये जो फैक्टर्स हैं शो करते हैं भाई कि राफेल लियाओ को स्टार्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल से एक बार स्टार्ट करवा के देखो तो सही यार, क्योंकि आपके आज वर्स्ट प्लेयर ऑन दिस इन दिस 11 वर्स्ट प्लेयर इन दिस 11 भाई, सबसे गंदी रेटिंग भाई फेलिक्स को मिली है, सबसे गंदी रेटिंग, सबसे कम रेटिंग। तो मुझे नहीं पता भाई अब ये फर्नांडो सैंटोस को कौन समझा सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो कोई नहीं समझा सकता। 2016 से देख रहा हूँ जब से यूरोज ये लोग जीते हैं ना, इस साइड को अच्छे से देख रहा हूँ, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई कहां तक जाने के चांसेस दिख रहे हैं ऐसा फुटबॉल खेलने के बाद। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।